क्या हो गया फिजा? डरा दिया। अच्छा प्लीज मेरी कमीज इस्त्री कर दो जरा। कल रात को तो आपकी कमीज इस्त्री करके रखी। हाँ वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वैसे मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कहाँ जा रही हो? कर दो, क्या मसला है? यार घर के सारे कपड़े ना ज़ैना प्रेस करती है, आपको पता नहीं क्यों मुझसे ही सारे काम कराने होते हैं हमेशा। अच्छा तो मुझे खाली एक बात का जवाब दो, ज़ैना को कपड़े इस्त्री करने आते कहाँ हैं? उसे नहीं आते। अच्छा वेरी गुड, ठीक है, मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मैं उसको मिस नहीं कर सकती। ठीक है फिजा, तो फिर मैं खुद ही कर लेता हूँ, लेकिन अगर मीटिंग पे देर से जाने की वजह से मुझे कोई भी नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। डू यू अंडरस्टैंड? रुके, क्या है? देख क्या क्या? नो, मैं खुद करूंगा। कहा ना मैंने कर देती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद अपने कपड़े इस्त्री नहीं कर सकता? दे दीजिए, मैंने बोला ना कर देती हूँ, ड्रामेबाज। अच्छा तो मैं हूँ ड्रामेबाज यहाँ पे? जी, पूरे 30 एपिसोड का ड्रामा मुकम्मल होने वाला है 3 महीनों के बाद। हाँ तो तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि अपनी सालगिरह वाले दिन मैं यानी साद नुमान 30 एपिसोड का ड्रामा बन जाएगा? जी बिल्कुल। ये बताएं कि आप ट्रीट कहाँ देने वाले हैं? फिजा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी इतनी खूबसूरत बातों के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा? अब वैसे भी मेरी कमीज मुझे वापस करो, मैं खुद कर लूंगा। क्यों, अब मैंने इस्त्री करना शुरू तो कर दिया है ना, मुझसे तो ले लेंगे, उसके बाद दुनिया भर में ढिंढोरा पीटेंगे। फिजा मेरी शर्ट प्रेस नहीं करती। अब आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि तुम कितना बड़बड़ करती रहती हो हर वक्त, लेकिन फिर भी काम करते वक्त बुरी नहीं लगती। वो तो सही कहा आपने, आने दे आपकी बीवी को, गिन गिन के बदले लूं। नो, खबरदार अगर मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोला तो वो तो मेरे दिल की रानी होगी। वो आपके दिल की रानी होगी और मैं नौकरानी। फिजा देखो तुम नौकरानी लगती हो, उसमें मेरा क्या कसूर है? देख रहे हैं ना आप ये प्रेस? अच्छा सॉरी, देखें फिजा जल जाएगी। देखे नहीं जला देती। फिजा जल जाएगी भाई, क्या हो गया? एहसान फरामोश। एक्सक्यूज मी, एहसान फरामोश? तुमने कौन से एहसान किए मुझ पे जरा बताओ? कौन सा एहसान मैंने आप पे नहीं किया है? ये देखें, ये एक और एहसान कर दी स्त्री। लाए दे, लेट हो रहा है मुझे यूनिवर्सिटी की। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं बस 5 मिनट में नहा कर आ रहा हूँ, उसके बाद में तुम्हें खुद छोड़। जी नहीं, मैं अशर के साथ चली जाऊंगी, टाइम नहीं है। तुम क्यों जाओगी अशर के साथ? मैं छोड़ने जा रहा हूँ ना। घंटे लगाते हैं आप तैयार होने में, रहने दें। अल्लाह, मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा। बेटा नाश्ता तो करके जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं यूनिवर्सिटी जाके कर लूंगी, मेरा नाश्ते का टाइम तो इन्होंने खा लिया ना अच्छे से शर्ट के चक्कर में। अल्लाह हाफिज़। अरे भाई हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार, अब देखो ना भूखी चली गई। भूखी मोटी है, यूनिवर्सिटी जाके आपको पता ना सबसे पहला क्या क्या करेगी, खाना खाएगी जाके। तुम क्यों नहीं गए उसके साथ? असगर भी छुट्टी पर है और कैसे जाएगी वो? गई है वो अशर के साथ। अच्छा चलो ठीक है। अशर तो अंदर तैयार हो रहा है। अंदर तैयार हो रहा है, इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है, अभी तक तैयार ही हुआ जा रहा है। अशर क्या हुआ, आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है क्या?
जी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, मैंने सोचा था सिद्ध के साथ चली जाऊंगी, लेकिन सिद्ध को भी तैयार होने में देर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं अशर के साथ चली जाऊंगी, ये भी तैयार नहीं हुआ। अशर ये बेटा आ रहा है, वो तुम नाश्ता तो बताओ कर लो। सुबह तुम कहां से आ गए? चलो चलो जल्दी चलो। अच्छा नाश्ता तो पढ़ने दो। अरे नाश्ता नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे। चलिए अस्सलाम वालेकुम। चलो चलो अच्छा आराम से चलो। अच्छा खुदा के लिए थोड़ी सी गाड़ी तेज चला लो यार, मर मर के चल रहे हो। क्या करूं, गाड़ी मार दूं मर जाऊं। तुम इतनी आसानी से तो मरने वाले हो नहीं, एक नंबर के ढीठ हो। लेकिन हाँ, अगर मेरा लेक्चर मिस हो गया ना तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी, तो जल्दी चलो। एक बात बताओ, अगर मैं वाकई में मर जाऊं तो? अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों करते हो, फिजूल की बातें, कुछ नहीं होगा तुम। मतलब कि तुम्हें वाकई में फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली यार, फ्रेंड हो तुम मेरे दोस्त हो इतने अच्छे। हाँ बस दोस्त ही। फिजूल की बकवास करना बहुत आ गई है ना तुम्हें आजकल, चुप करके गाड़ी चलाओ। मेरी बात सुनो, एक तो मैं सिर्फ लिफ्ट नहीं करवाती, वरना पता सारी यूनिवर्सिटी की लड़कियां मेरे पीछे मरती हैं, मुझे तो याद भी नहीं है कौन कौन है। कौन? यूनिवर्सिटी की लड़कियां? हाँ यूनिवर्सिटी की, और कहाँ की। पागल है वो सब। इसमें पागल की क्या बात है, इतनी बड़ी जायदाद का मैं अकलौता वारिस। अशर फिजूल का टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम उन लड़कियों के पीछे, कुछ नहीं मिलने वाला है तुम्हें उन लड़कियों से, पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना देखना शाजी आंटी। शाजी आंटी मुझे कुछ भी नहीं कह सकती, फेल हो भी गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो की इतनी बड़ी जायदाद का वारिस मैं। जी जी पता है क्या? क्या? जायदाद मायदाद होने से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में, एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। बात तो सही है। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए कोई अनएजुकेटेड लड़का पसंद कर ले तो तुम क्या करो? ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें पता है कि मेरे लिए पढ़ाई की कितनी इम्पोर्टेंस है। ये तो पता है। या अच्छा फर्ज करो, वैसे जस्ट इमेजिन अगर तुम्हारी अम्मी लड़के का पैसा देखे तालीम में, क्या करोगी तुम? कुछ नहीं करूंगी मैं, अगर अम्मी ने ऐसा कुछ किया भी तो सिर्फ ऐसा नहीं होने देंगे, मेरी मर्जी के खिलाफ। बड़ा यकीन है तुम्हें सात भाई पे? कोर्स है। वाह क्या बात है। यही बात है। तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर करती हो, हर फरमाइश मुझी से करती हो, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड की फीलिंग्स तो समझो ना फिजा। पता नहीं कब तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगी और कब तुम मेरी जिंदगी में आओगी, मेरी बनकर। थक चुका हूं मैं तुम्हारा इंतजार करते करते, और एक तुम हो कि तुम्हें मेरे आंखों में पहली मोहब्बत नजर ही नहीं आती। बस इधर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई और उधर तुम मेरी हुई। जानती हूं मैं अपने सारे काम तुमसे क्यों करवाता हूं, क्योंकि तुमसे काम करवा के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस पढ़ाई खत्म हो इस लड़की की, मैं तो फौरन इसकी शादी कर दूँ। पढ़ाई को सर पर सवार कर लिया है इसने तो। अरे ये क्या बात हुई, इतने अच्छे नंबर आते हैं उसके, पढ़ाई क्यों छुड़वा दोगी उसकी? अरे क्या करूँ फिर, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं लड़की इनकार कर देती है। तुम्हें क्यों फिक्र पड़ी हुई है, कौन सी उसकी उम्र निकली जा रही है, और वैसे भी मैंने उसे साथ के लिए सोचा है। सच? आप फिजा के लिए ऐसे सोच रही हैं? हाँ और नहीं तो क्या, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है वो, मैं उसे किसी और घर में क्यों जाने दूंगी।
लेकिन साबरा बाजी आपको नहीं लगता कि फिजा और साद की उम्र में थोड़ा फ़र्क है? और फिर साद तो उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करता है। ये उम्र का फ़र्क भी कोई फ़र्क होता है भला? और शादी से पहले तो सब ऐसे ही होते हैं। मुझे यकीन है कि जब हम दोनों उनसे बात करेंगे ना तो दोनों इनकार नहीं करेंगे। ठीक कह रही हैं आप, पढ़ाई तो ख़त्म हो मगर उसकी पहले। ये पढ़ाई के पीछे क्यों पड़ गई हो जाएगी पढ़ाई भी, अभी मंगनी कर देते हैं। अगर तुम्हारे दिल में कोई खटका है तो। अरे नहीं नहीं बाजी, आपकी तरफ से कोई खटका नहीं है मेरे दिल में, बल्कि आपकी बात सुनकर तो मेरा दिल हल्का हो गया। वही दोहरा रिश्ता है हमारा, हम बहने भी हैं और देवरानी जिठानी भी। अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात आया करे मुझे बता दिया करो। मेरे दिल में आपके लिए कभी कोई बात आ ही नहीं सकती, बहन हो तो ऐसी। वापस भी मेरे साथ जाओगे? Obviously, ड्राइवर नहीं आया, पता है ना तुम्हें, जाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। वैसे मुझे जो आज माहिरा को छोड़ना था। किसको? माहिरा को। माहिरा को छोड़ने जाना है? तो तुम जाओ ना उसे छोड़ने, मैं खुद जा सकती हूँ। नहीं यार, वो तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी है। तुम फजूल में जेलिस हो रही हो। जेलिस? झूठी हो तो रही हो, अब तुम मानो या ना मानो। मैं कोई जेलस वेलस नहीं हो रही हूँ। ओके मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे पीछे आने की। अच्छा सुनो तो। नो 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 नो, मजाक कर रहा था यार, इतनी सी बात का बुरा मान जाती हो? प्लीज मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम अपनी माहिरा के साथ जाओ आराम से। ओके मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ जाना है। असल कुछ ज्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहा तुमसे? उसकी तो बात ना करें मुझसे, बहुत ही बदतमीज है। क्यों, क्या किया उसने? अरे जरा सा मुझे यूनिवर्सिटी क्या ले गया, बस एहसान जता रहा था, कह रहा था मायरा को घर छोड़ने जाना था, मेरी वजह से छोड़ने नहीं जा पाया। ये मायरा कौन है? हमारी क्लास फेलो। वैसे आपका असल लड़कियों से कुछ ज्यादा ही दोस्ती नहीं करता, फ्लर्ट सा लगता है मुझे। फ्लर्ट नहीं है एक्चुअली, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है ना, तो लड़कियां आसपास घूमती रहती है। Really? तो तुम्हें उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है? अब मुझे तो बिल्कुल अच्छी लगती है, I'm sorry। लेकिन उसे तो ये लगता है कि वो दुनिया में सबसे खूबसूरत शख्स है। बड़ी खुशफहमी है उसे। मुझे वैसे फजूल सा ही लगता है, इमैच्योर सा। नहीं अब ऐसी भी बात नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है। उसकी बुराई किए जा रहे हैं आप कब से, क्या मसला है? अब मुझे क्या मसला हो रहा है, लेकिन तुम्हें क्यों उतना बुरा लग रहा है? सिर्फ वो मेरा दोस्त है। सिर्फ दोस्त ही है या? गॉड नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है ना इसलिए। हाँ तो अंडरस्टैंडिंग तो मेरी आपसे भी ज्यादा है। सीरियसली? ऑब्वियसली हर बात मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप हर बात में मेरा साथ देते हैं। हर बात तो शेयर करती हूँ और साथ भी देती हूँ, लेकिन जब मैं कोई काम कहता हूँ तो तुम फौरन मुंह बनाने लगती हो। तो आप ऐसे टाइम पे क्यों कहते हैं? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? तुम्हें तंग करना। सी? अच्छा मेरी बात सुनो, भूख लग रही है, पिज्जा खाने चलें? Yes, let's go. Let's go. Chicken pizza. Chicken pizza? Here we come. Oh.
अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम फोन पे, बड़ी हैरत की बात है। जी, पढ़ पढ़ के बोर हो गई थी, सोचा एक गेम खेलूं, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए। कैन इमेजिन। एक मिनट एक मिनट, ये क्या है? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं है, ये गिफ्ट है, दिखाएं दिखाएं दिखाएं। पिज़्ज़ा नहीं, जल्दी दिखाएं, दिखाएं ना प्लीज। तुम बड़ा तंग करती हो। वाओ, दिस इज सो नाइस, बहुत प्यारा है। आई नो आप ये गिफ्ट मेरे लिए लाए, कल मुझे ही तो देना है आपको ये। एब्सोल्युटली नॉट, तुम्हें खुशफहमी कुछ ज्यादा नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लूंगा। मेरे लिए नहीं लाए आप ये, तो ठीक है जाएं, जिसके लिए लाए उसे जाके दे दें, हटे। जानती हो मेरी आधी अलमारी सिर्फ तुम्हारी ली हुई चीजों से भरी हुई है। कितने तोहफे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं और खरीद कर अपनी अलमारी में रख देता हूं। बस वो लम्हा आने तो दो जब मैं तुम्हें अपनी सारी फीलिंग्स बताऊंगा। तुम्हें बताऊंगा कि जिसका नाम तुम हमेशा से जानना चाहती थी वो नाम फिज़ा है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, thank you. अच्छा मुझे बताओ गिफ्ट क्या लोगी? गिफ्ट आपसे कुछ नहीं। क्यों नहीं भाई? It's your birthday today. गिफ्ट तो बनता है। आपके हर गिफ्ट इतने बेकार होते हैं। कुछ बेकार से ही देंगे आप मुझे? बेकार? तो तुम एक्चुअली मुझसे ये कह रही हो कि मैं तुम्हें बेकार तोहफे देता हूँ? Obviously. सारी अच्छी चीजें तो आप उसे देते, मुझे तो बस ऐसे ही कुछ भी उठा के दे देते। अब देखो उसका मुकाबला तो नहीं करो ना, वो कहाँ, वो है तुम क्या मसले है कि तुम नाराज बहुत जल्दी हो जाती हो? Today is my birthday. वालेकुम अस्सलाम। खाला फिजा कहाँ है? अंदर है, तैयार हो रही है। क्या अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे बुला कर लाती हूँ ना, तुम तो जाओ कपड़े अपने चेंज करो, हाथ मुंह धो। अच्छा मैं आता। दिखाओ क्या लाया? नहीं दिखाओ ना यार, दिखाओ ना प्लीज, दिखाओ जल्दी दिखाओ, दिखाओ। और अगर ना दिखाऊं तो पड़ेगा, जल्दी दिखाओ। वाह अशर, तुम इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए? तुम्हें कब पता चला कि मुझे ऐसी ज्वेलरी बॉक्स चाहिए था? देख लो कितना ख्याल है तुम्हारा, तुम्हारे मांगने से पहले ही चीज हासिल। दिस इज सो नाइस, मुझे ऐसी ज्वेलरी बॉक्स चाहिए था। सिट
देखिए आखिर इस अशर के बच्चे को ख्याल आ ही गया कि बर्थडे विश करने के साथ साथ गिफ्ट भी दिया जाता है। सी, हाउ नाइस ना? क्या किया जाए साथ भाई, कोई जबरदस्ती गिफ्ट मांगेगा तो देना तो पड़ेगा ना। एक सेकंड, मैंने कब तुमसे जबरदस्ती गिफ्ट मांगा है? कह नहीं रही थी मुझे कि मुझे मेरी बर्थडे का गिफ्ट क्यों नहीं देते? अल्लाह से डरो तुम, सिर्फ ये झूठ बोल रहे, सच में झूठ बोल रहे। जानता हूं मैं ये झूठ बोल रहा हूं। हां छोड़े इसे, आप बताएं आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए। क्या वो अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा है, पर देखिए सेम गिफ्ट अशर भी मेरे लिए लेकर आया। पहले मैं लाया था। लेकिन पहले आपने नहीं दिया था, कल रात को लाए थे तो कल रात को ही देना चाहिए था ना। तुम एक बात बताओ, तुम अकेले आए हो? आंटी नहीं आई? नहीं, उन्हें कहीं और जाना था। पर दिस इज राइट। चाहती है मेरी शादी हो जाए तो कर लो। पता नहीं वो मुझे पसंद करती है कि नहीं। अशर पूछ लो ना। पूछ ही तो रहा हूं। एक ऐसा जुर्म हुआ। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ज्वेलरी बॉक्स चाहिए था? कितना ख्याल है तुम्हारा, मांगने से पहली चीज हासिल। वाव, अच्छा ना? सीरियसली, वेरी नाइस। सेम गिफ्ट अशर भी मेरे लिए लेकर आया। पहले मैं लाया था। लेकिन पहले आपने नहीं दिया था, कल रात को जब आप बर्थडे विश कर रहे थे तभी दे रहे थे। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए प्लीज। मुझे देर हो रही है, तुम मस्कर के साथ चले जाओ। नहीं नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मुझे आप ही के साथ जाना। चलिए आप इतने खामोश क्यों हैं? खामोश तो नहीं हूं। अच्छा, नाश्ते की टेबल पर भी देखा था मैंने आपको, मुंह बना हुआ था आपका। तुम्हें लग रहा होगा रूठना मुझे चाहिए था, उल्टा खुद मुंह बना के बैठ। नहीं, तुम्हें किस खुशी में रूठना चाहिए था? तुम तो जाओ, अपने अशर को अहमियत दो ना, मेरी क्या परवाह है। मैंने अशर को कब अहमियत दी है? वो तो मैंने देख लिया था, जितने इंटरेस्ट से तुमने मेरा गिफ्ट रखा था ना, आई गॉट द आइडिया। आपको अच्छे से पता है ना वो बॉक्स मुझे कितना पसंद था, अशर ने दे दिया तो मुझे खुश तो होना ही था। फिजा तुम कितनी अजीब हो यार, तुम चीजों को लोगों से ज्यादा अहमियत देती हो। आप भी यही करते,
तभी तो मेरी दिलचस्पी और पसंदीदगी को नजरअंदाज कर दिया आपने। वो गिफ्ट मैंने हाँ किसी और के लिए लिया था, मेरे मांगने पर मुझे देना पड़ा। अगर तुम्हें नहीं पता ना कुछ तो पीस चुप्पी कर जाओ तो बेहतर है। अच्छा छोड़े ना आप ये सारी बातें, अशर ने दे दिया कोई बात नहीं, एक ही बात है। एक ही बात है, अब तुम्हारे नजदीक मेरी और अशर की एक ही अहमियत है रियली। अरे तो आप दोनों मेरे दोस्त हैं। तुम एक बात भूल रही हो, मैं तुम्हारा कजन भी हूँ। ओह गॉड, सिर्फ प्लीज भूल जाए ना अब ये सारी बातें। आप भी वैसे आपकी और अशर की पसंद कितनी मिलती है ना। रियली होप ये पसंद सिर्फ ज्वेलरी बॉक्स तक ही महदूद रहे। जी कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताएं, ज्वेलरी बॉक्स उठा के क्यों लेके गए थे? तुमने एक जैसी दो चीजों को क्या करना था, तो मैं कुछ और ला दूंगा। अच्छा सा और भी अच्छा वाला। ओके साहब मैं तुमसे एक बात कहूं। एक बात नहीं, अब आप जल्दी से गाड़ी चलाएं, मुझे अपना लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तुम और तुम्हारे पढ़ाई का शौक, उसकी वजह से ना सब बहुत ज्यादा परेशान है। तुम सुनते नहीं हो किसी की यार? अरे हाँ, आप चलाएं ना गाड़ी जल्दी। चला रहा हूँ। अशर तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर कब खत्म हो रहा है? अगले महीने। क्यों भाई? तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो तो मुझे तुम्हारी शादी करनी है। ये आपको अचानक मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? अचानक क्यों, मैं तो पल पल इंतजार में हूँ कि कब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो, तुम्हारी बीवी आए और मेरे इस घर का सन्नाटा खत्म हो। अम्मी आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा आपने मेरा कहीं रिश्ता तय कर दिया। तुमसे पूछे बगैर रिश्ता तय कर सकती हूँ? ये ना बात। अच्छा बस अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। वो मिसेस फैजी है ना, एक लड़की बता रही है, अच्छी फैमिली से है, लड़की डॉक्टर बन रही है। अम्मी आप क्या चाहती हैं, मैं सारी जिंदगी मेडिसिन की स्मेल सुन के गुजार दूँ? अच्छा बस अब ज्यादा बातें ना करो, कहो तो देखूँ। अच्छा ऐसा करते हैं, पहले उसकी तस्वीर मंगवाते हैं फिर फैसला करें। आप मुझे एक बात बताइए, आपकी करीब की नज़र क्या कमज़ोर है? हाँ वो तो कई साल से। इसीलिए आपको करीबी अच्छी लड़की नज़र नहीं आती? कौन? सोचे सोचे सोचे। फिजा? जी फिजा। लेकिन तुम दोनों तो इतना लड़ते रहते हो। तो मियाँ बीवी भी तो आपस में लड़ते रहते हैं, अच्छा है ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बात हुई तुम्हारी उससे? तौबा करें, पिटना है मुझे क्या? चलो तो फिर मैं करूँ उनके घर वालों से बात? नहीं नहीं, पहले मुझे बात करने थे, बात किए बगैर गई ना तो खाली हाथ ना वापस आना पड़े। फिजा फिजा। जी अम्मी। अरे हर वक्त पढ़ती रहती हो, इतना मोटा मोटा चश्मा लग जाएगा आंखों पर। तो लग जाए अम्मी, इंसान अच्छा खासा ग्रेसफुल लगता है चश्मा लगा के। और ये जो इतनी प्यारी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी, चश्मे में छुप जाएंगी। और दूसरे तुम्हारी शादी। अम्मी आप ये बताएं कि आपको टेंशन क्या है, मुझे चश्मा लग जाएगा इस बात की या आपको मेरी शादी करानी है? क्यों शादी नहीं करनी क्या कभी? अम्मी अभी मेरी उम्र ही क्या है। अरे क्या हो गया है, खुदा का खौफ करो लड़की, 22 साल कोई कम उम्र नहीं होती है। देखिए अम्मियाँ होती हैं कि अपनी बेटियों की उम्र छुपाती हैं, और एक ये है जो हाथ पे गिन रही हैं, हिसाब रख रही हैं कि कितने साल की होगी लड़की। हाँ क्योंकि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अम्मी क्या हुआ है आपको बताएं, प्लीज़ मेरे एग्जाम सर पे है, मुझे पढ़ने दें। अरे भाई कर लो पढ़ाई, किसने रोका है, लेकिन कम से कम थोड़ा काम में तो इंटरेस्ट लो ना, बाजी क्या सोचेंगी। प्लीज़ अम्मी, बड़ी अम्मी आपके जैसी बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी। अरे फिर भी कम से कम लड़कियों को घर के कामों में इंटरेस्ट होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए, वरना कोई नहीं पूछता। ना पूछे अम्मी, किसे फर्क पड़ता है, वैसे भी मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी, खुद जॉब करूंगी और ऐश करूंगी। चुप कर जाओ लड़की, खुदा का खौफ करो, हर वक्त ऐसी बातें नहीं करते फजूल किस्म की, कोई कोई वक्त कबूलियत का भी होता है। अम्मी हो क्या गया है आपको ये बताएं,
क्या फिर से कोई रिश्ते वाली खातून आने वाली है? कोई नहीं आने वाली, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त तुम्हारा कोई रिश्ता मांग सकता है ना। अच्छा तो अब आप बताएं कौन आया रिश्ता लेके? वो सबा है ना। वो सबा कौन है? अरे भाई कोई नहीं है सबा बाबा, बस तुम अपनी पढ़ाई खत्म करो और सो जाओ जल्दी से। अम्मी सोना नहीं है अभी, मेरा मूड नहीं है अभी, मुझे अपना काम खत्म करना है, उसके बाद फिर मैं वॉक के लिए जाऊंगी। मेरे पेट में ना ऐसे खाना भारी भारी हो गया। ये जो तुम भाग भाग कर खाना खाती हो ना, इसलिए ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। अपना ख्याल ही नहीं रखती हो। अगर सुकून से खाओ ना तो जिसम को लगे ना इतना सा मुंह निकल आया तुम्हारा। अम्मी आप ठीक है? क्या हो गया आपको? इतने लेक्चर दिए जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। मैं यहाँ से चली जाती हूँ वरना आप नहीं चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, मत जाओ। नहीं 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 नहीं, मेरा बच्चा। अभी मैं दूध ला रही हूँ, दूध पी के सो। ओके पढ़ लो। थैंक यू। और जल्दी खत्म कर। यस। आज बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने, मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। रहने दे अम्मी, सब बातें हैं। आपको घर से और घर के लोगों से फुर्सत मिलेगी तो मुझे याद करेंगी ना। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? क्या मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है? याद नहीं करती मैं तुम्हें? दोनों बातें अम्मी। फायजा बुरी बात है, माँ से इस तरह बात नहीं करते। अब तो ना ही बोले खाला तो अच्छा है। मैं कोई गलत कह रही हूँ? एक हफ्ते बाद आई हूँ मैं। तो तुम्हें खुद ही तो कहा था कि अरसम के पेपर्स हो रहे हैं, और मैं रोज फोन करके तो तुम्हारी खैरियत पता कर रही थी। बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा फजूल बातें मत करो, ये बताओ कि अरसम के पेपर्स कब खत्म हो रहे हैं? फ्राइडे को आखिरी पेपर है। चलो बस ठीक है, हम साद और फिजा की मंगनी सैटरडे को रख लेंगे। क्या फिजा और साद की मंगनी? ये कब तय किया आपने अम्मी? भाई मैंने कल ही रुखसाना से बात की थी और रुखसाना को भी कोई एतराज नहीं था। हाँ इनको भला एतराज क्यों होगा अम्मी, घर बैठे बैठे ही इतना काबिल और होनहार लड़का जो मिल रहा है। तुम्हें कोई एतराज है? नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो बस एक बात कह रही हूँ। मैं देख। तुम किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती हो, किसी का भी लिहाज नहीं है तुम। अम्मी प्लीज अब मुझ पे ना शुरू हो जाए। ये तो बताएं साद और फिजा की मंगनी की आपको क्या सूझी? क्यों इसमें हर्जी क्या है? भाई घर की लड़की है, देखी भाली है, खुश शक्ल है, खुश मिजाज है। पता नहीं अम्मी आपको उसमें ये खूबियां कैसे नजर आती है, और जब भी आपको मौका मिलता है ना आप उसे मेरे मुकाबले में खड़ा कर देती है। कब किया मैंने तुम्हारा मुकाबला उससे? ना तो उसे लोगों से मिलने का शौक है, ना घरदारी का, सिर्फ पढ़ाई, यूनिवर्सिटी या अपने कमरे में घुसी रहती है। आप हैं कि बस उसकी तारीफें करने और उस पर मोहब्बत निछावर करने से थकती नहीं है। मुझे तो कोई खराबी नजर नहीं आती उसमें। तो फिर ठीक है, मुझे क्यों बता रही है, कर लें उनकी मंगनी। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम सात की बहन हो। तो वो भी तो फारूक की बहन है जिसने आपकी बेटी को ठुकरा कर उस नाजिया से शादी कर ली। उसकी किस्मत उसी के साथ जुड़ी थी, अब भूल जाओ इन बातों को। अपनी नाकदरी को भुलाना ये आसान बात नहीं है अम्मी, और आप हैं कि उसी की बहन को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। तो इसमें फिजा का क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर था कि उसने बचपन की मंगनी को बिना किसी वजह के तोड़ दिया? अब वो इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, तुम्हारी भी खैर से शादी हो गई है, अब बस कर दो, भूल जाओ इन बातों को। कमाल करते हैं बदनाम साहब, इतनी आसानी से आपने कह दिया कि ये नहीं हो सकता। सर आजकल बहुत सख्ती है, मैं समझ रहा था बहुत आसानी। आप खाक समझ रहे थे अदनान साहब, आपको स्टैंड लेना चाहिए था। आई एम सॉरी सर। देखिए सॉरी से काम नहीं चलेगा, आई नीड दिस प्रोजेक्ट एट एनी कॉस्ट। आई नो सर, आप मुझे बताइए अब क्या करना है। सारे कंसर्न लोगों के पास जाएं, उनकी जो भी डिमांड्स हैं उनको पूरा करें। ये कंपनी आपको इतनी हाई सैलरी इसलिए नहीं देती ताकि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और कंपनी जाए भाड़ में। सर ऐसा नहीं है। ऐसा ही है।
आप अच्छे तरीके से जानते हैं अदनान साहब कि इस कंपनी के लिए मैं नो का वर्ड नहीं सुन सकता। ये फाइल लेके जाएं और दो दिन में मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आएगा। ठीक है सर, राइट। जी इम्तियाज साहब, वो टेंडर के बारे में मैंने आपको कहा था। हाँ, फाइल लेके पहुंचे मेरे पास। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। करो, दस बातें करो। मेरी अम्मी चाहती है मेरी शादी हो जाए। तो कर लो। ऐसे कैसे कर लूँ? अभी तो मेरा लास्ट सेमेस्टर पड़ा है। तो मत करो, सेमेस्टर के बाद कर लेना। व्हाट्स द बिग डील? कितनी अफसोस की बात है फिजा, तुम्हें मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। कितने इत्मीनान से कह दिया कि कर लो। एक्सक्यूज मी, शादी तुम्हें करनी है, जो करना है करो, उसमें मैं क्या कहूँ? अच्छा, किसी से भी कर लूँ? अरे जिसे पसंद करते हो उससे कर लो। पता नहीं वो मुझे पसंद करती है कि नहीं। अच्छा, पूछ लो ना। पूछ ही तो रहा हूँ। बेवकूफ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्यों, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता? अभी हम पब्लिक प्लेस पर बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ कर नहीं रही हूँ, वरना। तो तुम्हें लगता है अकेले में मैं तुम्हें ऐसे प्रपोज करता? मैं तुम्हें गुलाब का फूल देके, तुम्हारे आगे झुक के तुम्हें प्रपोज करता। अफसोस हो रहा है ना कि मैंने तुम्हें ऐसे प्रपोज क्यों नहीं किया? फिजा प्लीज, मुझे इग्नोर मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज फिजा, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन पता नहीं चला कि तुम कब मेरे दिल में धरना डाल के बैठ गई। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं यार, मैं कोई अफेयर नहीं चलाना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। प्लीज कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा शायद। ओह अच्छा, यस। ये बात मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, क्या तुमने वाकई में कभी मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा? लो, आंखों में आंखें डाल के बोलती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं सोचा, मुझे अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, उसके बाद फिर इस बारे में सोचा जा सकता है। यानी मेरे बारे में? ऐसे क्या देख रहे हो? तो कैसे देखूं? अच्छा मैं जा रही हूँ, ओके, बाद में बात। प्लीज। अच्छा, क्या कर रहे हो तुम? चली जाना, पहले जवाब तो दो। बैठो। पहले जवाब तो दो। किस बात का जवाब दो? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको कुछ कहा है। दे दूंगी अशर, इतनी जल्दी क्या है, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो जाए। इस पढ़ाई के चक्कर में तुम्हें कोई और उड़ा के ले गया तो? एक्सक्यूज मी मिस्टर अशर, मेरी मर्जी के बगैर मुझे कोई उड़ा के नहीं ले जा सकता। अच्छा जी, मैं भी नहीं। एक ऐसा जुर्म हुआ। वो मुझसे शादी नहीं करेंगे और हम कजिन्स हैं, साथ में बड़े हुए हैं, कैसे शादी कर सकते हैं हम? फजूल बातें मत करो फिजा, तुम्हारी शादी साथ से ही होगी बस। घर वाले मेरी और सिद की शादी प्लान कर रहे हैं। सात भाई और तुम? मैंने हमेशा से आपको अपना भाई अपना दोस्त माना है, ये मैं सोच भी नहीं सकती, और
ये लोग देखिए अम्मी और बड़ी अम्मी कैसी फिजूल की बातें करती हैं। ऐसा मैं तुमसे? हाँ मैं जानती हूँ उसे। आई नो आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते ना, मैं ये चाहती हूँ। हम ऐसा नहीं होने देंगे।